हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में अभिवादन करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 से उनके दूसरे पेपर जो है CC4 हिस्ट्री ऑफ झारखंड, उसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड। तो जैसा कि आपको पता है, पूरे भारतवर्ष में 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात महात्मा गांधी जी के आवाहन पर हुआ और इस विद्रोह की अग्नि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई झारखंड में भी दिखाई दी। तो आज हम अपने इस अध्याय इस विषय में हम झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या स्थितियां थी और यह आंदोलन किस प्रकार फलीभूत हुआ उसके पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। भारत छोड़ो आंदोलन 1940 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। दरअसल ये 1939 में ही अंत में शुरू हो गई थी, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद ही कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार का कोई परिवर्तन न देखकर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 अगस्त की रात्रि को ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और यह आंदोलन बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के ही प्रारंभ हो गया 9 अगस्त को। झारखंड की जनता के भागीदारी पहले के आंदोलन की तुलना में ज्यादा रही। झारखंड राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदर्शन, तोड़फोड़ और जुलूस आयोजित किए गए। आंदोलन स्तर पर तीव्र था, उतना राज्य स्तर पर भी रहा। राष्ट्र के स्तर पर जैसी उसकी स्थिति थी वही हम राज्य स्तर में भी देखते हैं। रांची में 9 अगस्त और जमशेदपुर में 10 अगस्त को हड़तालें आयोजित की गई थी। 14 अगस्त के दिन रांची के क्षेत्रों में जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और गिरफ्तारी दी। टाटी सिल्वे और नामकुम के बीच टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइन काट दी गई। 18 अगस्त को बिशनपुर थाने को जला दिया गया। कई स्थानों पर रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन को काटा गया। नादिया उच्च विद्यालय में स्कूल परिसर में छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज तक फहरा दिया। गुमला थाना में भी झंडा फहराने की कोशिश की गई। नवंबर 1942 तक रांची जिले में 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। हजारीबाग में 10 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। जनता ने अंग्रेजी शासन के प्रत्येक संस्थानों जैसे पोस्ट ऑफिस, यूरोपियन क्लब्स, लाल कंपनीज, अदालत आदि में तोड़फोड़ की। रेलवे स्टेशन और शराब की भट्टियों पर हमला किया गया। यहां की जुलूस में गोली भी चली जिससे 2 लोग मारे भी गए। आंदोलन की तीव्रता हजारीबाग में सबसे ज्यादा थी।
गिरफ्तार, दंडित और मृतकों की संख्या वहां सर्वाधिक देखी गई। झारखंड के जमशेदपुर में 10 अगस्त के दिन हड़तालों का आयोजन प्रारंभ हुआ। जनता के साथ साथ टाटा इस्पात कर्मी ने भी प्रदर्शनों में भाग लिया। उसी प्रकार पलामू के क्षेत्र में हम देखें तो हम पाते हैं कि यह आंदोलन 11 अगस्त को प्रारंभ हुआ। यहां के नेता, जो प्रमुख नेता थे, उनके नाम थे यदुवंश सहाय, गौरी शंकर ओझा, मिथिलेश सिन्हा इत्यादि। इन नेताओं ने इस क्षेत्र में लोकमत को एकत्रित करने का कार्य बखूबी निभाया। फलतः आंदोलन यहां और भी ज्यादा संगठित दिखाई पड़ रहा था। पलामू जिले में रेल पटरियों को उखाड़ना, टेलीफोन लाइन को काट देना आदि अनेक घटनाएं घटित हुई। यहां आंदोलन काफी तेज था और पुलिस का दमन भी उसी के अनुरूप तेज होता गया। यहां हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई। आंदोलन के दौरान संथाल परगना भी काफी उद्वेलित रहा। हड़तालों और जुलूसों के आयोजन किए गए। प्रदर्शन, तोड़फोड़ और पुलिस का दमन सामान्य था। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज भी किया। सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन में दमनात्मक कार्यवाही तो करी ही, साथ ही साथ प्रभावशाली लोगों को शामिल करने का प्रयास भी कर रही थी। सारे प्रयासों के बावजूद लोगों की भागीदारी में कमी नहीं आई और आंदोलन 1943 ईस्वी तक निरंतर चलता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में अपार लोगों की भागीदारी ने आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच के भेद को मिटा दिया। सभी जनजातीय समूहों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। उनकी सहभागिता के कारण ही झारखंड में इसका स्वरूप इतना व्यापक हो सका। आंदोलन से जुड़ी एक विशेष बात यह थी कि राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में लाकर रखा गया था। उसी जेल में 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। इस घटना के बाद जेल में बंद प्रमुख नेताओं को भागलपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार से हमने झारखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में घटित आंदोलन के स्वरूपों पर चर्चा की। अब हम इसके निष्कर्ष पर प्रकाश डालेंगे। तो निष्कर्ष में हम पाते हैं कि 1943 ईस्वी तक भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारतवर्ष में समाप्त कर दिया गया। 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी को गिरफ्तारी झारखंड में इस आंदोलन से संबद्ध अंतिम घटना मानी जाती है। कई इतिहासकार पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान को चमत्कारिक नहीं मानते, लेकिन झारखंड की सहभागिता
मान्य रही। यहां की सहभागिता जाति या संप्रदायों में बटी हुई नहीं थी और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहां जनजाति एवं गैर जनजाति वर्ग ने मिलकर इस आंदोलन को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1857 के पहले के जनजातीय आंदोलनों ने झारखंड में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को जगाने का कार्य किया। 1857 में उसका प्रकटीकरण भी हुआ। 1947 से 1947 के चरण में जनजातियों ने स्वतंत्रता संघर्ष में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस प्रकार से झारखंड क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप एवं उनके प्रभाव को देखने के पश्चात हम सहज रूप से यह कह सकते हैं कि यह क्षेत्र इस आंदोलन के दौरान काफी सक्रिय रहा और यहाँ जाति एवं जनजाति वर्ग ने सारे भेदभाव मिटाकर एकजुट होकर गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यद्यपि यह आंदोलन जो था उसको कुशल राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त ना हो सका, क्योंकि इसके राष्ट्रीय नेताओं को एक दिन पूर्व 8 अगस्त की रात्रि को ही गिरफ्तार करके अज्ञात स्थानों पर भूमिगत कर दिया गया था, जिसके कारण यह आंदोलन हिंसक हो उठा और इसके तहत अनेक हिंसक वारदातें भी संपन्न हुई। लेकिन यह आंदोलन भारतीय जनता के सजगता और उनके लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल मानी जाती है। झारखंड में भी इस आंदोलन ने अपनी असीम शौर्य एवं बलिदानों को देखा और झारखंड की भूमि इसके लिए सदैव उनके बलिदानों पर गर्व करती रहेगी, जिसके कारण आगे चलकर हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव हो सकी। तो कुल मिलाकर हमारा यह जो विषय है यहां समाप्त होता है। अब हमें यह जानना है कि हमें इस विषय से संबंधित प्रश्न किस प्रकार किए जा सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमें झारखंड के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के विषय में पढ़ना है। उसी कड़ी में हमने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़े आंदोलन आपको बताया। अब एक क्रांतिकारी आंदोलन बचा है, वो भी हम अगले क्लास में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे, आप उसको भी वहां से देख लेंगे। और एक और है आपका 1857 का विद्रोह और उस विद्रोह का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सभी विद्रोहों को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका पूरा विद्रोह कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा प्रश्न का सवाल, तो इसमें हम देखते हैं या सीधा सीधा प्रश्न उभरता है कि झारखंड क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या प्रभाव पड़े। तो आप सहजता से इसे लिख पाएंगे या फिर कह देगा कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें, तब भी आप आराम से इसी मेरे जो मैंने आपको बताया उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपके प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट कर दे और प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि गांधी जी द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलनों का झारखंड के परिवेश में क्या योगदान रहा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि गांधी जी ने मूल रूप से 3 राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों का संचालन किया। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप तीनों को मर्ज करके एक में जोड़ करके
एक आंसर तैयार करेंगे और वहां इस तरह से बातों को रखेंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि आप प्रश्न के स्वरूप को ध्यान रखेंगे और उसके अनुरूप अपने उत्तर को तैयार करेंगे। मैंने प्रत्येक आंदोलन को अलग अलग तरीके से आपके सामने YouTube वीडियो के माध्यम से रखा है ताकि आप प्रत्येक आंदोलन को सहजता से समझ पाए। अब प्रश्न के अनुरूप आपको अपने उत्तर को तैयार करना होगा। तो मैं आज अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने जानकारियाँ प्रदान की हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि इस लॉकडाउन अवधि में हमारे पास सिर्फ यही एक माध्यम है आपसे जुड़ पाने का। तो ध्यान से आप अपनी पढ़ाई को स्पॉइल मत होने दें, जितना तक संभव हो आप हमारे वीडियो के माध्यम से उनको लिखते चले जाएं और उसको याद भी करें। जैसे ही हमें ऑनलाइन कक्षाएं लेने की अनुमति प्राप्त होगी हम आपके सारे शंकाओं का समाधान कर देंगे। तो इसी विश्वास के साथ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें ताकि अच्छे मार्क्स लाकर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।